और बड़ी खबर राजधानी पटना से। दरअसल घायल मॉडल मोना रॉय की मौत की खबर सामने आ रही है। अस्पताल में इलाज के दौरान मॉडल की मौत हो गई है। दरअसल मंगलवार की देर रात अपराधियों ने मॉडल को गोली मार दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां मॉडल मोना रॉय की मौत की खबर सामने आ रही है। मंगलवार की देर रात जब ये मॉडल अपनी बेटी के साथ मंदिर से घर लौट रही थी और इसी दौरान घर के ही नीचे अपराधियों ने इसे गोली मार दी और घायल मोना का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन आज उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मरगूब, क्या कुछ जानकारी है, कैसे मॉडल मोना रॉय की मौत हो गई, क्या उनका इलाज बेहतर तरीके से नहीं हो पाया? देखिए सुबी, अभी से लगभग थोड़ी देर पहले हमारे पास जो अपने सूत्रों से इस बात की जानकारी आई कि 12 तारीख को मॉडल मोना रॉय को उनके घर के बाहर जब वो अपने बेटी के साथ मंदिर से आरती कर लौट रही थी, घर के ठीक बाहर दो अज्ञात अपराधियों ने जो हेलमेट पहने हुए थे गोली मार दिया। उसके बाद आनन फानन में उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से कल उन्हें, जो हमारे पास जानकारी है, कल उन्हें IGMS में इलाज के लिए भेजा गया था और अभी से थोड़ी देर पहले उनकी मौत हो गई। मॉडल मोना रॉय के को गोली मारे जाने के मामले में जब निजी हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया तो डॉक्टर का कहना था कि कमर में गोली लगी है और एक पैर उनका उस समय काम नहीं कर पा रहा था। हालांकि वो बात करने की स्थिति में भी नहीं थी। लगातार कई बार पुलिस के अधिकारी गए थे, कई मीडिया कर्मी गए थे, उनसे पूछताछ की कोशिश की गई कि आखिर कौन लोग हो सकते हैं, कुछ क्लू लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं बोल पा रही थी। उनकी आवाज़ में लड़खड़ाहट बहुत थी और अंततोगत आज से थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है और अब जो 307 का मामला था वो 302 का IPC धारा के तहत वो मामला दर्ज हो रहा है राजीव नगर में, चूँकि हत्या का मामला हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में कई क्लू मिले हैं, कई CCTV फुटेज मिले हैं, पुलिस उस आधार पर काम कर रही है। मोना रॉय का जिन लोगों के साथ उठना बैठना था, जिन लोगों के साथ उनकी पारिवारिक जान पहचान थी, जिन लोगों से मित्रता थी, उन सभी के कॉल का डिटेल निकाला गया है। पुलिस उस पर तफ्तीश कर रही है। पुलिस जो शूटर हैं, जो अपराधी हैं, उनको पकड़ना चाह रही है पहले, और यही चीज पुलिस ने जिम ट्रेनर को गोली मारे जाने मामले में भी किया था। आपको पता है कि जैसे ही शूटर पकड़ाया उसने पूरे मामले का खुलासा किया, उसके बाद राजीव सिंह और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हो गई। इस मामले भी पुलिस उन दोनों अपराधियों को खोज रही है और जैसे ही क्लू के साथ दोनों अपराधी पकड़े जाएंगे पूरे मामला का खुलासा हो जाएगा। हालांकि लगभग कई लोगों से अभी तक पुलिस पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस को फिलहाल कोई खास सफलता हाथ नहीं लग पाई है। जो कुछ एविडेंस है वो एविडेंस पुलिस तलाश रही है। जिन लोगों पर शक है उनको लगातार रेडार में रखा गया है, उनके हर एक्टिविटीज को पुलिस रीड कर रही है और एविडेंस का इंतजार कर रही है। जैसे ही एविडेंस मिलेगा पुलिस तत्काल उस पूरे मामले में गिरफ्तारी करेगी और कहीं ना कहीं मामला चूंकि हाई प्रोफाइल हो गया, मॉडल थी और अब उसकी मौत हो गई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर एक बड़ा प्रेशर बन गया है कि इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस जल्द करे। पटना के अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई उनका कहना है कि कई अहम क्लू मिले हैं, अनुसंधान चल रहा है, कई बिंदु पर अनुसंधान चल रहा है और जल्द मामले का हम खुलासा करेंगे। तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा सुबी कि मामले का खुलासा कब पुलिस कर पाती है और कौन लोग इस पर्दे के पीछे हैं कि किन लोगों ने मॉडल मोना रॉय की हत्या कराई है और किन लोगों ने इस पूरे साजिश को अंजाम दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मॉडल मोना रॉय की मौत हो गई है, एक दुखद खबर है, लेकिन पूरी तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है, कई सारे सबूत भी मिले हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट, कुछ कॉल डिटेल्स निकाले गए हैं और उन्हें खंगाल कर आधार बनाकर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।